अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काजी सईद शफीक और आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियट। जहां हिंदुस्तानी सिनेमा को आज एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, नाइटिंगेल कहे या मेलोडी क्वीन। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मशहूर प्लेबैक सिंगर लता जी की। लता जी का आज सुबह मुंबई के एक निजी हॉस्पिटल में देहांत हुआ। 92 साल की उम्र में लता जी हमसे रुखसत होकर चली गई। लता जी 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई। 5 साल की उम्र में लता जी को गाना गाने का बेहद शौक पैदा हुआ। लता जी ने 14 मुख्तलिफ जुबानों में 30,000 गाने गाए। नरगिस से लेकर प्रीति जिंटा तक जितने भी एक्ट्रेसेस आए, उन्हें लता जी ने अपनी आवाज दी। लता जी के कैरियर की अगर हम बात करेंगे तो लता जी ने अपने कैरियर में 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल की। अगर हम 1959 की बात करेंगे तो 1959 में मूवी आई मधुमती, जिसका गाना था आजा रे परदेसी, उसे भी उस गाने को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया उस टाइम। उसके बाद 1963 में आई मूवी 20 साल बाद, कहीं दीप जले तो कहीं दिल, ये गाना भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो उस टाइम इस गाने को भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद 1966 में आई मूवी खानदान, तुम ही मेरे मीत तुम ही मेरी पूजा, ये एक बेहतरीन गाना था जिसे लोग आज भी भूल नहीं पा रहे हैं। ये गाना भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और इस गाने को भी बहुत ज्यादा पजीराई मिली उस टाइम, इसे भी नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद 1970 में आई मूवी जीने की राह, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, इसमें गाने बहुत अच्छे थे और ये गाना आप मुझे अच्छे लगने लगे, इसको भी उस वक्त फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद 1994 की अगर हम बात करेंगे तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इसे मिल गया। और उसके बाद एक बेहतरीन मूवी आई 1995 में, उस मूवी का नाम है उस मूवी का एक गाना था जिसे लोग आज भी गुनगुना रहे, दीदी तेरा देवर देवाना, और मूवी का नाम है हम आपके है कौन, इसमें भी इसको एक बड़ा एजाज मिल गया। यानी यू कहें कि इंटायर लाइफ में, इसकी जो इंटायर लाइफ थी लता जी की, इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और इस तरह के गाने पूरे वर्ल्ड को दिए जिसे लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। कौमी एजाज की अगर हम बात करेंगे तो मूवी आई मधुमती, जिसका गाना था आजा रे परदेसी, उसे भी उस गाने को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया उस टाइम। उसके बाद 1963 में आई मूवी 20 साल बाद, कहीं दीप जले तो कहीं दिल, ये गाना भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो उस टाइम इस गाने को भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद 1966 में आई मूवी खानदान, तुम ही मेरे मीत तुम ही मेरी पूजा, ये एक बेहतरीन गाना था जिसे लोग आज भी भूल नहीं पा रहे हैं, ये गाना भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और इस गाने को भी बहुत ज्यादा पजीराई मिली उस टाइम, इसे भी नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद 1970 में आई मूवी जीने की राह, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, इसमें गाने बहुत अच्छे थे और ये गाना आप मुझे अच्छे लगने लगे, इसको भी उस वक्त फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद 1994 की अगर हम बात करेंगे तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इसे मिल गया। और उसके बाद एक बेहतरीन मूवी आई 1995 में, उस मूवी का नाम है उस मूवी का एक गाना था जिसे लोग आज भी गुनगुना रहे, दीदी तेरा देवर देवाना, और मूवी का नाम है हम आपके है कौन, इसमें भी इसको एक बड़ा एजाज मिल गया। यानी यू कहें कि इंटायर लाइफ में, इसकी जो इंटायर लाइफ थी लता जी की, इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और इस तरह के गाने पूरे वर्ल्ड को दिए जिसे लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। कौमी एजाज की अगर हम बात करेंगे तो लता जी के लता जी को कौमी एजाज से भी नवाजा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लता जी को वक्तन फौक्तन बहुत सारे कौमी अवार्ड से नवाजा गया, उनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न अवार्ड और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनके नाम हो चुका है। तो लता मंगेशकर
बरसगीर की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। इनके जो मद्दाह थे वो बहुत ज्यादा सोगवार आज देखने को मिल रही है, क्योंकि लता जी की जो आवाज थी एक लाफानी आवाज थी। लता जी तो बजायर आज हमसे रुखसत होकर चली गई, लेकिन उनके जो ये गाने हैं मुझे लगता है कि आने वाले दौर में भी लोग इन गानों को गुनगुनाना नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि लता जी की जो आवाज थी एक लाफानी आवाज थी। लता जी तो बजायर आज हमसे रुखसत होकर चली गई, लेकिन उनके जो ये गाने हैं मुझे लगता है कि आने वाले दौर में भी लोग इन गानों को गुनगुनाना नहीं भूल पाएंगे। लता मंगेशकर गेम से भी बहुत ज्यादा वाबिस्ता थी। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे, लता जी को क्रिकेट बेहद पसंद था। लता जी क्रिकेट देखना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। सचिन तेंदुलकर लता जी का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर था। अगर हम एक्ट्रेस की बात करेंगे तो दिलीप कुमार, देवानंद और अमिताभ बच्चन ये इनके सबसे बेहतरीन अदाकार थे। और उनके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा लता जी के फूड की, तो लता जी का जो बेस्ट फूड था प्योर इंडियन स्पाइसी फूड, ये खाना ज्यादा पसंद करती थी। इनका जो बेहतरीन पॉलिटिशियन था, सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन था, वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसे बेहद एडमायर करती थी लता जी। लता जी की अगर हम बात करेंगे, एक्ट्रेसेस की अगर हम बात करेंगे, तो नरगिस और मीना कुमारी के बारे में उन्होंने कहा है कि जब भी मैं गाना गाती हूँ तो इनकी जब मैं लिपसिंग, या जब मेरी लिपसिंग करते हैं, जब मेरे सामने होते हैं, तो मुझे एक अंदर से अजीब कैफियत पैदा होती है। हिंदुस्तानी सिनेमा की अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तानी सिनेमा में, ये लता जी का उस वक्त का कहना है कि हिंदुस्तानी सिनेमा में मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये दो बेहतरीन एक्ट्रेसेस जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, एक तो नरगिस हो गई और दूसरा मीना कुमारी, ये दो एक्ट्रेसेस जब भी मेरे सामने आती है तो मुझे एक अजीब कैफियत पैदा होती है। तो नाजरीन, जिस तरह ये एक बहुत दुख की बात है, और जो लता जी के जो मद्दा है वो लता जी को हमेशा याद करेंगे। लता जी ने अपने कैरियर में ऐसे गाने गाए कि कहने की बात ही नहीं है। जब भी लता जी को याद किया जाएगा तो लता जी के जो मशहूर गाने हैं वो हमेशा हर दौर में, हर वक्त में गुनगुनाए जाएंगे। एक वाक़ा मैं आपसे जाते जाते शेयर करूंगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, ये गाना जब लता जी ने गाया तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें, जब उन्होंने ये गाना सुना तो जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें बहुत ज्यादा नम हुई। यकीन ही नहीं हो रहा था जवाहरलाल नेहरू जी को कि बिल्कुल इस तरह उन्होंने ये गाना गाया था लता जी ने, कि उस वक्त सबकी आंखें नम हो गई, जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी नमी पड़ गई थी ये गाना सुनने के बाद। मुझे दीजिए इजाजत, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा कश्मीर पे। क्या आप लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं? हंदवाड़ा के लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर पे अब रेनाउड गोल्ड मेडलिस्ट इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी डॉक्टर हिलाल अहमद डार कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोडोस्कोपी प्रोसीजर्स भी अंजाम देंगे। आज ही रब्ता करें आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, एड्रेस बांडे मोहल्ला हंदवाड़ा। फॉर अपॉइंटमेंट्स टू कॉल ऑन 8082338953।